सर के बाद आप मुंडवा लें, सर के बाल मुंडवाने के बाद आपका उमरा अदा हो गया, एहराम आपका उधर है। अब एहराम आप उतार लें, आपके जो कपड़े वगैरह आप लौटे निकले गए वो आप पहन सकते हैं, जो चीजें एहराम के अंदर मंगलू की वो सारी चीजें अब आपके लिए हलाल और दुरुस्त हो। सिर्फ मर्दों के लिए है कि वो पूरे सर के बाल साफ करवाए, पूरे सर के बाल साफ करवाए, सर पर कुस्तरा रखें। अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, या कोई सर के अंदर जख्म या तकलीफ या बीमारी हो तो बाल छोटे करवाने की गुंजाइश छोड़ दी जा सकती है। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो फिर पूरे सर के बाल मुंडवाना अफजल है। खातिन ये करेंगी कि अपने सर के बाल को जो है उंगली के अंदर ऐसे पैरों के अंदर लपेट कर थोड़े से बाल खुशी से उन लोगों से कटवाए, खुद अपने नहीं काटने, इस बात का ख्याल रखता है, क्योंकि आप कोहनी लोगी सर के बाल काटने के बाद अपने आपका एहराम उतरे। ये मत करना है कि होटल पे आए वो खुद अपने हाथ से अपने बाल काटे, एक चीज। दूसरी चीज ये भी नहीं चलेगा कि चलो आपस में काट, आप मेरे सर के बाल काट दीजिए, मैं आपके सर के बाल काट दीजिए। तो जो पहले काटेंगे, जो पहले काटेंगे वो एहराम की हालत में थी, उनके लिए ममनू था, तो वो जो है उनका एहराम का तकलीफ उनसे मिस हो गई। तो क्या करें, जिसका एहराम उतर गया हो उससे कटवाए। अब जिन जिनका एहराम उतरते जाएगा वो पागल होते जाएंगे, वो दूसरों के करते हैं। वैसे ही मर्द हजरात पे ख्याल करें, मर्द हजरात बहुत सारे क्या करते हैं कि भाई हजाम को क्यों कैसे थे, हम ही आपस में कर लेते हैं, तो वो बैठ कर जो है एक दूसरे का अलग कर दे, अलग करता है एक दूसरे का कर सकते हैं, लेकिन कब वो शख्स कर सकता है जिसका एहराम उतर गया। अभी वो एहराम ही उतरा था और उसने अपने दोस्त का भाई क्या कर दिया, साथ वाले क्या कर दिया, तो वो एहराम की उसको ममनू चीज। तो ये आपका हलफ हुआ, सर के बाल कटे, आपका जो है एहराम उतरा, फारिग हुआ। अब हज को हज के दिन आने में मसलन 5 दिन बाकी, 8 दिन बाकी, 10 दिन बाकी, ये वक्फा आपके पास। अब इसमें अगर आप उमरा करना चाहें प्रशासन के साथ इत्मीनान से, जितने उमरे करना चाहें उतने उमरे आप करें, ठीक है। इसमें लोग सवाल पूछते हैं कि भाई मरहूमीन की तरफ से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे इस दुनिया से चले गए हो या इस दुनिया में मौजूद हो, सबकी तरफ से नफली उमरा कर सकते हैं, ठीक है, सबकी तरफ से नफली उमरा कर सकते हैं। और इसमें टेंट भी नहीं है कि मर्द मर्द के साथ करे, मर्द मर्द के लिए करे या औरत के लिए करे, किसी के लिए भी कर सकते हैं, है ना। अपने मरहूम वालिद वालिदा के लिए कर सकते हैं, अपने किसी भी रिश्तेदार दोस्त अहबाब किसी के लिए भी उमरा कर सकते हैं, लेकिन फिर दोबारा आपको उमरा करना है तो उस उमरे का तरीका, उसकी प्रोसेस ये होगी कि आपको फिर कहां जाना पड़ेगा, मस्जिद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जाना। तो बाद लोग इस चीज में भी आजकल उलझने लगे हैं और नए मसले मसाइल छेड़ दिए कि भाई मस्जिद आयशा से तो दूसरा उमरा होते ही नहीं है और वहां से एहराम दुरुस्त नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन कुछ फजूल बातें हैं। वहां से हनफी के हाल है और आनाब के यहाँ उसकी इजाजत है मस्जिद आयशा इत्मीनान से जाए, वहां एहराम पहने और वहां से एहराम पहनकर दूसरे उमरे के लिए बिल्कुल आवाज, ठीक है, मस्जिद आयशा जाए एहराम पहने नियत करे और फिर आकर दोबारा उमरा करें, जितने दिन चाहे उतने उमरे करें। लेकिन इसमें ख्याल ये करें कि ज्यादा उमरा करने की शौक में जो है अपने आप को थकाएं, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को हज के लिए बरकरार बाकी रखना है, क्योंकि हज के दिन शुरू होने वाले हफ्ते भर बाद या 10 दिन बाद या 8 दिन बाद आप जो है उमरा कर करके थक जाएंगे, तो फिर हज में परेशानी हो। तो इससे बेहतर यह है कि अपनी कैपेसिटी के मुताबिक उमरे करें, अगर प्रशासन से तबीयत इजाजत दे तो उमरा करें, नहीं तो उमरे के चक्कर में नहीं उलझे, ठीक। दूसरा काम करेंगे तवाफ करेंगे, ठीक, तवाफ भी सबकी तरफ से कर सकते हैं, अपने मरहूमीन की तरफ से भी कर सकते हैं और मौजूद लोगों की तरफ से भी कर सकते हैं, किसी की भी तरफ से तवाफ कर सकते हैं। तवाफ करने में सिर्फ तवाफ करना है कुछ नहीं, हरम शरीफ गए हजरत असमत के यहाँ से जो है आपने जो है तवाफ चलना शुरू किया तो साथ फेरे लगाने, और इस तवाफ के बाद आपको सही तो नहीं करनी है, सिर्फ तवाफ ही करना है तो रंग भी नहीं होगा। आप अपने कपड़े पहनकर जो लिबास है आप कपड़ों पहनकर आप जो है तवाफ करते रहे जितना दिन चाहे उतने तवाफ, ठीक। और अगर किसी को तवाफ करने में भी ज्यादा थकन हो रही है, वो चलने में प्रॉब्लम होती है, तवाफ करते ही बनता है, तो इस चीज को भी ज्यादा लोड ही अपने ऊपर नहीं करें, क्योंकि
आपको भी देना, अपनी एनर्जी को पूरा बाकी रखना है खर्च के। हम तवाफ नहीं कर पा रहे तो एक और काम है कि सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ को बैठ कर उसकी जियारत करें। ठीक, जितनी कोशिश हो उतने तवाफ करें, नहीं करते बनता है तो बैतुल्लाह शरीफ के बैठ कर बैतुल्लाह शरीफ की जियारत की। ठीक, और एक काम, अहम काम, कोई भी नमाज हराम छूटे, आपके काम छूटे, नमाज पढ़नी है, नमाज तो पढ़ेंगे, लेकिन कैसी नमाज पढ़नी है कि नमाज हरम शरीफ के अंदर जवान के साथ ही। इतनी बड़ी जगह जा रहे हैं और कोई काम नहीं है वहां पे, ना नौकरी है, ना दुकान है, ना धंधा पानी है, ना दूसरे कपड़े हैं, कुछ भी नहीं, पानी है, गरीब उसी के लिए है। और फिर उसमें भी बोलता है कि भाई या तो होटल में पढ़नी, या करीब की किसी मस्जिद में पढ़नी, या यहाँ पढ़नी, या वहां पढ़नी, ये सारी चीजें इस तरह से शैतान आपको तोड़ने की और अपने सिकंजे में फंसाने की पूरी पूरी कोशिश करेगी। तो ख्याल किस बात का करना है, उसकी किसी भी मगर में नहीं आना है, हर वक्त अल्लाह की इबादत के लिए अपने आप को आमादा और तैयार रखना। सबसे बड़ी इबादत, चाहे वो सरजमीन मक्का में हो या अपनी जगह पे हो, नमाज, नमाज जमात के साथ बिल्कुल भी नहीं छूटे, नमाज अदा करें। फिर हज के दिन आ जाए, हज के दिन आ जाएंगे तो हज के दिन आने से पहले जो है आपको इत्तला भी दी जाएगी, आपके नॉलेज में भी होगा। 7 तारीख को जिलहिज की 7 तारीख को दोहर की नमाज में वहां जो खत्म होंगे वो जो है एक खुतबा फरमाएंगे। वो खुतबा होता है हज की तैयारी के ताल्लुक से, वो मसाइल बताते हैं कि भाई आपको अरफात में और मीना में किस तरह से दिन होगा। 7 तारीख को वो हो जाएगा, फिर 8वीं तारीख से हज के दिन शुरू होते हैं। 8 तारीख को या 8 तारीख की रात को ही 8 तारीख को सुबह आपको मीना ले जाया जाएगा। ठीक है, तो आपको 8 तारीख को एहराम पहनना है, किस चीज का, हज का। ठीक है, आप 8 तारीख को फिर एहराम बांधेंगे, एहराम बांध लेंगे तो एहराम बांध कर नियत होगी, पूरी दौलत नमाज पढ़ी जाएगी, नियत होगी, फिर वो सारी चीजें ममनू हो गई जो बताई। ठीक, उन सब चीजों से फिर रुकना है, एहराम बांध कर आपको या तो 8 तारीख की रात को या 8 तारीख को सुबह आपको मीना मुंतकिल कर दिया जाएगा, आपको मीना ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। मीना के अंदर आपके खेमे होंगे, खेमे के अंदर इत्मीनान रखें, अपनी जगह मुकर्रर होगी, फिक्स होगी, जो भी तरतीब और जो भी तारीख होती है आपको आपकी जगह मिल जाएगी। वहां 8 तारीख का पूरा दिन आपको गुजारना है। ठीक, सारी नमाजें वहां पर पढ़नी है, चाहे तो खेमे के अंदर जमात कर लें, वो ही मुनासिब होगा क्योंकि मस्जिद के बाद बहुत दूर होगी, वहां से पता नहीं आपका खेमा कितनी दूर है क्या है, तो आपको अपने खेमे के अंदर ही जो है आपको नमाज अदा करनी है, वहां पर भी किसी एक साहब को जो है इमाम अपना मुकर्रर कर दें। उन 5 दिनों में इमाम मुकर्रर कर दें कि साहब जो है आप इस 5 दिनों में हमारी नमाज अदायगी करवाएंगे। अब इसमें तैयार ये करना है कि आपको 2 रकात पढ़नी है, कसर पढ़नी है, या आपको जो है पूरी नमाज पढ़नी है। अगर वहां पर मीना में 5 दिन ये परचे वगैरह बाद में पढ़नी करो, अगलो वहां पर मीना में और अरफात में मुज़दलिफा में फिर लौट कर मीना आएंगे, जब तक मीना में रुकेंगे सारी नमाजें अगर मस्जिद के इमाम के पीछे पढ़ेंगे, वहां जो मस्जिदें हैं उन मस्जिदों में इमाम साहब के पीछे पढ़ेंगे तो आप पूरी 4 पढ़ेंगे, अपनी पढ़ेंगे या अपने ही लोग नमाज करेंगे तो क्या करेंगे, 4 रकात वाली नमाजें 2 रकात हो जाएंगे, फसल हो जाएगी, क्योंकि मीना जो है मक्कतुल मुकर्रमा की हुदूद से बाहर है, वो मक्का में शुमार नहीं किया जाता, वो आपको साबिर ही होंगे। तो 4 रकात वाली नमाज में सारी आपको 2 पढ़ें, एक शख्स को किसी को भी अपने इमाम मुकर्रर कर लें और उनके पीछे जमात के साथ 5 तरतीब नमाजें अदा करें। 8 का पूरा दिन आपको रुकना है, 9 तारीख की रात को आपको रुकना है, फिर 9 तारीख की रात में ले जाना शुरू कर देते हैं, या 9 तारीख की सुबह में जब इत्मीनान से फजर की नमाज आप अदा कर लें, फजर की नमाज अदा करने के बाद जो है जब तुलू आफ्ताब हो जाए, तुलू आफ्ताब हो जाए तो आपको अरफात में ले जाए, अरफात के लिए ले जाए। ठीक है, मीना में
पहुंचने के वक्त रात में भी अगर ले जाए तो सहूलत के अंदाज से अगर गाड़ी का इंतजाम हो तो रात में भी चले जाए, सुबह ले जाए सुबह चले जाए, और पार्क में भी अगर 9 तारीख की रात में भी अगर ले जाए कोई मसला नहीं है। इत्मीनान से सहूलत से अगर आपको गाड़ियों के जरिए अरफात को पहुंचाया जा रहा है तो आप रात में भी जा सकते हैं, सुबह फजर के बाद भी जा सकते हैं। तो यू आफ्ताब के बाद से अरफात में जाने का वक्त शुरू हो जाता है और उससे पहले भी फुकहा ने उसकी इजाजत दी है क्योंकि भीड़ मजमा बहुत ज्यादा होता है। तो सभी लोग अगर पूर्व आफ्ताब के बाद निकलने का मिजाज बनाएंगे तो दुश्वारियां होती है, इस वजह से वो आसानियां पैदा करने के लिए कुछ गाड़ियों का इंतजाम करते हैं या आगाज नहीं ले जा सकते। यहाँ इन दो रातों में जल्दी भी जाने की गुंजाइश और इजाजत है। अब 9 तारीख को आपको जवाल से पहले पहले कहाँ पहुंचना है, अरफात में पहुंचना, ठीक है। जवाल से पहले पहले इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जवाल के बाद से लेकर गुरूब तक ये अरफात का वक्त है, मैदान अरफात में आपको वहां रुकना है। और ये हज का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम दिन, आपके पूरे हज का निचोड़, आपका पूरा हज वहां सिमेंट करा गया अरफात, सबसे बड़ा दिन पूरे साल में अरफात से बड़ा दिन अल्लाह के नजदीक कोई नहीं। वो पूरी दुनिया से अल्लाह इस दिन की सआदत मंदी बख्शने के लिए अपने बंदों बंदे और बंदियों को चुनते हैं, हमने कार्य करने का बोला थे। अब जाहिर सी बात है बड़ी चीज है, कुर्बानी भी बड़ी देनी पड़ेगी। जब इनाम बड़ा मिलने वाला है, चीज बड़ी मिलने वाली है तो उसके लिए कीमत भी बड़ी चुकानी पड़ेगी, उसके लिए कुर्बानी भी बड़ी पेश करनी पड़ेगी। जितनी बड़ी कुर्बानी उतना बड़ा सिला, और जितना बड़ा सिला उतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अरफात की कुर्बानी और अरफात में मुजाहिदे के लिए मिजाज बनाने अल्लाह की जात पर भरोसा और यकीन करेंगे तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी बड़ी से बड़ी तकलीफ भी महसूस नहीं होगी, अल्लाह की तरफ से राहतें और आसानियां नसीब होगी। और चीखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कहां मैदान में पड़े रहेंगे खुले में, कोई इंतजाम नहीं है, गर्मी होगी धूप होगी बारिश होगी ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर सब कुछ होगा। और ये सोच लिया अल्लाह के मेहमान है, अल्लाह के लिए अगर कुछ हुआ भी तो बर्दाश्त करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं। तो अरफात में आप जवाल से पहले पहले पहुंचे, जवाल से पहले पहले पहुंचकर वहां इत्मीनान से कोई भी जगह जहां आपको मिल जाए, पैदल अफजल तो ये है कि जबल रहकर पहाड़ी बनी पहाड़ी है जिसको कहते हैं जबल रहमत, जिसके ऊपर अल्लाह की रहमतें उतरती। ऐसा नहीं है सिर्फ उस पहाड़ी को उतरे, जहां जितनी दूर भी अरफात का मैदान फैला हो वहां तो उतरेगी। इसमें परेशान नहीं हो, छोटा भी नहीं करें कि भाई हमें तो जगह मिली नहीं। अगर आसानी के साथ वहां जगह मिल जाए तो गुरु नगर हो, अगर वहां जगह नहीं मिले तो जहां भी अरफात के मैदान है अरफात की बाउंड्री है जहां भी जगह मिल जाए वहां इत्मीनान से रुक जाए। ठीक, अब जोहर की नमाज में वहां हज का खुतबा होगा, ठीक हज के खुतबे के साथ वहां नमाज होगी। मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए आसानी से तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर अपनी जगह पे अपनी नमाज अदा करें। ठीक, वहां मस्जिद के अंदर वो जो हज के इमाम होंगे वो जोहर की और असर की नमाज एक साथ पढ़ाएं। इस मसले को जानिए, जोहर की और असर की नमाज एक साथ पढ़ाएं। और अगर आप जो है अपनी नमाजें पढ़ेंगे, जिन साहब को आपने अपना इमाम मुकर्रर कर लिया हम आपके साथ ही रहेंगे, उनके साथ आपको अपनी नमाज पढ़नी है तो जोहर के वक्त में जोहर की आप अपनी पढ़े दो ही पढ़ाएगी और असर के वक्त में असर की पढ़ें। इस चक्कर में नहीं उलझे कि भाई जो है हमें दोनों नमाज जमा करनी है, नहीं अरफात में दोनों जमा नहीं करनी है, वो मुकीमों के लिए जो मुकीम होते हैं उनके लिए। आप तो मुसाफिर होंगे तो आपको अपनी अपने वक्त में अपनी नमाजें पढ़नी है। लेकिन बहरहाल जो सबसे बड़ा काम है मुझे करना है कि जवाल के बाद से लेकर गुरूब तक पूरी लोग अदालत और तवज्जो के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ाना है, अल्लाह तबारक व तआला को रो रो कर राजी करना और बनाना है। ठीक है, सबसे अहम दिन है जो
जितना अपने आप को छोटा बनाकर और आजिज बनाकर और कमजोर बनाकर अल्लाह के सामने रोएगा गिड़गिड़ाएगा, अल्लाह उसको उतना ऊंचा मकाम नसीब करेगा। लेकिन इस तरफ अपनी तवज्जो को लगाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि वहां के मुजाहिदे वहां की तकलीफों में आदमी ऐसा गिराता है कि फिर ये करने का काम तो याद ही नहीं रहता, कहां बैठूं, कहां उठूं, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, पूरी अफरा तफरी में वो कीमती वक्त क्या हो जाता है, जाहिर हो जाए। तो आप अपने साथ खाने की चीजें भी ले जाए कि बताए कि आप चीजों के बारे में वो खाने की चीजें भी आप साथ में रखें और इन कामों को थोड़ा सा नजरअंदाज करें। देखो सारी जिंदगी खाया है, पांच फिर खाना है, थोड़ा दो चार पांच घंटे अगर अपनी भूख को बर्दाश्त भी कर लिया इतने बड़े अजर के आगे तो ठीक है, कोई मसला नहीं हो। पूरे उस वक्त को अल्लाह के सामने अल्लाह की हुजूरी में गुजारे। और अक्सर उलमा ने भी लिखा है कि जो शख्स आसानी खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने की कैपेसिटी रखता है वो खड़े होकर अल्लाह के सामने गड़गड़ा कर दुआ रोने की कोशिश करे। अब देखिए मान लो चीर मार मार कर रोली है ना, अपने गुनाहों की माफी मांगी है, अपनी अच्छी जिंदगी का अल्लाह के सामने सवाल करे और अपनी कामयाब और बेहतर जिंदगी के लिए अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह की रिजा को मांगे, जो मांगे वो आपको मिलेगा। लेकिन वो उसके लिए शर्त यह है कि तवज्जो के साथ और ध्यान के गुरूब तक आपको जो है अरफात में रुकना है। गुरूब के बाद यानी सूरज जैसे ही डूबने लगे अब आपको अरफात में मैदान छोड़ना है। अब आपको अरफात में मैदान छोड़कर आपको कहां जाना है, मुज़दलिफा की तरफ। ठीक, मुज़दलिफा के लिए आपको रवाना होना है। यहाँ पर मगरिब की नमाज नहीं अदा की जाएगी, मगरिब की नमाज आपको मुज़दलिफा में पहुंचकर मगरिब और इशा एक साथ अदा करें। ठीक, जैसे ही सूरज डूबने लगे आपको अरफात का मैदान छोड़ना, मुज़दलिफा की तरफ मुंतकिल होकर मुज़दलिफा पहुंचे। मुज़दलिफा पहुंचकर जब भी आप पहुंचे इशा के वक्त का इंतजार करें, ग़ुरूब से पहले नहीं निकलना, ग़ुरूब के बाद ही निकलना। ग़ुरूब के बाद निकलेंगे तो इशा का वक्त शुरू हो जाएगा, उसके बाद ही पहुंचे। जब भी पहुंचे फिर रात को 12 बजे 12:30 बजे 1 बजे जब भी पहुंचे मगरिब को इशा इकट्ठी पड़े। ये नहीं कि जो है मगरिब का वक्त हो गया रास्ते में पढ़नी है वहीं पढ़नी, मगरिब अब इन दो नमाजों को एक साथ मुज़दलिफा में पढ़ो। वहां जाकर के दो नमाजें एक इकामत के साथ जो है पहले मगरिब की जमात अदा कर लें और फिर उसके पूर्ण बाद सलाम करने के बाद इशा की जमात। ठीक है, और मुज़दलिफा में पहुंच करके नमाज अदा कर ली, वहां आपको पूरी रात गुजार दी। वहां अब आपको एक और जो काम करना है वो ये है कि वहां से कंकरियां चुननी है, कंकरियां उठानी है शैतान को मारने की, क्योंकि 10वीं तारीख का आगाज हो गया, 10वीं तारीख की रात लग गई है। तो आपको 10 तारीख को जाकर शैतान को कंकरियां मारनी है। तो मुज़दलिफा से कंकरी भी लें, कंकरी चुन लें और पूरी रात मुज़दलिफा में ठहरें। अब यहाँ मुज़दलिफा में रात में अगर कोई कहे कि चलो, या रात में अगर कोई ले जाए तो मुज़दलिफा से भी जाए, मीना से अगर अरफात के लिए रात में भी ले जाए तो चले, मुज़दलिफा से रात में नहीं है। मुज़दलिफा में क्योंकि फजर की नमाज अदा करने के बाद तुलू आफ्ताब से पहले इस वक्त में मुज़दलिफा में ठहरना वाजिब है। अगर कोई फजर की नमाज से पहले मुज़दलिफा छोड़ दे तो उसके ऊपर दम लाजिम। अगर आपसे लोग कहें, मौलवी के लोग भी आकर आपसे कहें कि भाई चलो 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 चलो, तो उनसे कहें कि नहीं हम नहीं, आप इत्मीनान से फजर तक रुके, फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुज़दलिफा में ठहरे, थोड़ा थोड़ा उजाला होने लग जाए, तब भी उलमा ने इजाजत दी है, लेकिन बेहतर ये है कि दोनों इत्मीनान से हो जाए तब आपको मुज़दलिफा छोड़ दे। फिर कह रहा हूं मुज़दलिफा को फजर की नमाज अदा करने से पहले नहीं छोड़े, फजर की नमाज अदा करने के बाद थोड़ी देर भी अगर कोई बैठ जाता है तो उसका वाजिब अदा हो जाता है। मीना से भी निकल सकते हैं, मक्का से भी आपको मीना आने के लिए रात में ना कोई मसला, इस चीज को माइंड में बिठा लेना, इस चीज को ख्याल रखना क्योंकि ये वाजिब है, ये छोटा दम होगा। और एक चीज, एक और मसला, अरफात में कोई शख्स जवाल से पहले नहीं पहुंच पाया, जवाल के बाद भी पहुंच रहा है, कोई मसला है,
वो लोग तक नहीं पहुंच पाए, वो भी मसला है। रात को अगर पहुंच रहा है कोई मसला है। लोग अरफात छोड़ चुके हैं, अब देखिए देश की गुरु होगा, लोग अरफात छोड़ दे, कोई किसी वजह से पीछे रह गया, अरफात में गुरु तक नहीं पहुंच पाए। सुबह फजर तक पहुंचने की गुंजाइश, सुबह फजर तक हालात बने, रात में भी अगर कोई अरफात में पहुंचा, थोड़ी देर भी अगर रुक गया तो उसका वो जो है हज का रुकन और अहम काम अदा होता है। ठीक है, किसी के साथ कोई हालात पेश आ गए, कोई दुश्मनी पेश आ गई, अल्लाह नहीं करे लेकिन जिंदगी में हालात लगे हुए, कभी कोई ऐसी चीज पेश आ गई, तो कितनी गुंजाइश शरीयत के अंदर है, वो फजर से पहले पहले सुबह साजिद सुबह साजिद से पहले पहले अरफात में अगर थोड़ी सी देर भी रुक जाता है उसका वो रुकन अदा हो जाए। और फिर मुज़दलिफा में फजर की नमाज के बाद तुलू तक रुकना है, फिर उसके बाद आपको मुज़दलिफा छोड़ देनी है, मुज़दलिफा से फिर फ्लोर पर आप कहां आएंगे, मीना आए, दसवीं तारीख होगी, दसवीं तारीख में लौट कर आप मीना आएंगे, आपके साथ कंकर भी होंगे, और फिर आप वादी नशर से गुजरेंगे, जगह आएगी, वो जगह है कि जहां पर अमरा आश्रम, वो लोग जो काबे को ढाने की नियत से आए थे उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से आसमान से अदाब आया था, अब अभी परिंदे आए थे, तो वो जगह है, उसमें उलमा इकराम फरमाते हैं उसमें तेजी से उस वादी से गुजर कर आपको मीना आना है। मीना पहुंचेंगे, मीना पहुंचकर इत्मीनान से अपने खेमों में जो सामान वगैरह वो रख लें। अब मीना पहुंचने के बाद आपको चंद काम करने हैं। सबसे पहला काम ये कि जो कंकरियां आप उठा कर लाए हैं उन कंकरियों में से सात कंकरियां आपको जो है बड़े शैतान को मारना है। ठीक है, जब हमारे मक्का को मारनी है वहां बड़े शैतान पर आप जाए, पूरी निशानदेही भी होगी कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये उससे छोटा है। बड़े शैतान को जाकर सबसे पहले सात कंकरियां मार दें, सीधे हाथ से मारेंगे, एक एक करके मारेंगे, और उसमें अभी हाथ का बता देते हैं कि भाई कहाँ किस भूमि से किस तरह से मारना है ना। सीधे हाथ से एक एक कंकरियां मारेंगे, इस नियत से मारेंगे कि अल्लाह को राजी करने के लिए और शैतान को जलील करने के लिए मारें। ठीक, कंकरियां मार दी आपने, सात कंकरियां मार के फारिग हो गए। इसमें उलमा इकराम एक चीज और लिखते हैं कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि भाई अपनी बीमारी की वजह से, अपनी किसी परेशानी की वजह से वो खुद जाकर कंकरी नहीं मार सकता, अव्वल तो हर एक को कोशिश करना है कि अपनी कंकरी मारे, लेकिन किसी वजूहत की बिना पर नहीं जा सकता तो उसके हिस्से की कोई दूसरा भी मार सकता। लेकिन ये सबसे लास्ट स्टेज है कि वो चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, व्हील चेयर पर नहीं जा सकता, हालात ऐसे नहीं है, तो फिर दूसरा भी उसकी मार सात कंकरियां मारकर आप पारित हुए। अब अगला काम आपका जो होगा वो होगा कुर्बानी। ठीक, क्या होगा कुर्बानी, ये कुर्बानी आपकी माली कुर्बानी नहीं है, ठीक है, ये कुर्बानी आपकी हज की कुर्बानी।